एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान रफाल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। रफाल से भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। खास बात यह है कि पांचवी जनरेशन के इस फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, इसलिए वायुसेना भी अपने इस योद्धा का शिद्दत से इंतजार कर रही है। आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 130 करोड़ भारतवासियों को जिस योद्धा का इंतजार बरसों से था, वो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। फ्रांस से भारत तक पहुंचने के लिए राफाल को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 29 जुलाई को राफाल अबू धाबी से उड़ान भरेगा और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे अंबाला में लैंड करेगा। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि रफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। हालांकि पहली खेप में 5 राफाल ही भारत लाए जा रहे हैं, जबकि बचे हुए 5 राफाल ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही रखे जा रहे हैं। फ्रांस में रखे गए 5 विमानों से भारत के पायलट और ग्राउंड स्टाफ के अगले बैच को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। भारत आ रहे 5 राफाल विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है, और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर आरबी से शुरू होता है। आरबी वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है।
राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। फिलहाल पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। इसके बाद तेजी से राफाल भारत आना शुरू हो जाएंगे। 29 जुलाई 2020 को 5 राफाल भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद फरवरी 2021 में 12 राफाल भारत पहुंचेंगे और मार्च 2022 में 19 राफाल विमान भारत आएंगे। इस तरह महज 2 साल में 36 राफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। भारत आने वाले 36 विमानों में 30 सिंगल सीटर हैं जबकि 6 डबल सीटर होंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है उन्हें LAC और LOC दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। LAC पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। फ्रांस से राफाल विमानों को 17 गोल्डन एरोस कमांडिंग ऑफिसर के पायलट लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही राफाल की धमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट करवाए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। राफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती है। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रणवेग पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने राफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस राफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं, और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने राफाल में अब कई ऐसे
शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है, जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। रफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। रफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ रफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एग्जोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। रफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को रफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में राफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और राफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिलबॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में ये सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है, जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है, जो हिल्स के टारगेटिंग में बहुत, पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं, जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है, जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए, लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 MR ले जा सकता है और 6 अलग-अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है, क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत में राफाल के आने की खबर से बीजिंग तक हलचल मची हुई है, क्योंकि चीन अब तक LAC पर साजिशों का जो जाल बिछा रहा था अब उनका अंत हो जाएगा। ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफाल के साथ, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफी बड़ा, ज्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ साथ राफाल ने पाकिस्तान की भी होश उड़ा दी है।
इसकी बड़ी वजह है राफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की खूबियों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया। स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होती है और ये दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा एलओसी पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद है। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है, लेकिन इसने सीमा पार बैठे सभी दुश्मनों की नींद उड़ा दी है।